दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से निर्भया गैंगरेप मामले के दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, दोषी मुकेश की दया याचिका को केजरीवाल सरकार ने खारिज किया है। तो दिल्ली सरकार की ओर से याचिका को खारिज कर दिया गया है। दया याचिका ही लगाई गई थी निर्भया के दोषी मुकेश की ओर से, जिसे एलजी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को हालांकि दया याचिका को भेज दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है, 22 जनवरी को निर्भया गैंगरेप मामले के चारों दोषियों को सुबह 7 बजे फांसी की सजा दी जानी है। और इससे पहले जहां दो दोषियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज किया गया था, अब दिल्ली सरकार की ओर से दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि उपराज्यपाल की ओर से याचिका को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। चल ऐसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, दोषी मुकेश की याचिका को खारिज किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से, बताइए। बिल्कुल, देखिए निर्भया गैंगरेप केस में जो दोषी था मुकेश, उसकी तरफ से जो दया याचिका दिल्ली सरकार के सामने लगाई गई थी, उस दया याचिका को दिल्ली सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया था। याचिका को खारिज करने के बाद अब इस याचिका को जो उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल की तरफ से जो केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय को उस याचिका को अब फॉरवर्ड किया गया है। चलो बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से इस दया याचिका को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। तो 7 साल 20 दिन के बाद मामले में फांसी की सजा सुनाए जाने की तारीख सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई थी कि 22 जनवरी को सुबह 7 बजे चार दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसे में निर्भया के दोषी मुकेश की ओर से दिल्ली सरकार के सामने दया याचिका लगाई गई थी, जिसे दिल्ली सरकार की ओर से हालांकि इसे खारिज कर दिया गया है। अब उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से इस याचिका को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बताई दिल्ली से।